हेलो दोस्तों, आप लोग का यशवी टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का क्लास नाइन्थ का। अब बोलोगे सर ये कौन सा है, तो क्लास नाइन्थ का है सेकंड यूनिट टेस्ट आप लोग का जो अब होने वाला है इंटरनेशनल। यहाँ पर डेट लाइन है 7वां 8वां 9वां 12 लेसन है, 6 लेसन आ चुका था, 7 8 9 आएगा प्लस उसके बाद आप लोग का पूरा बरहो लेसन आ जाएगा। अब यहाँ पे 7 8 9 लेसन में से क्या किया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग को करके रखना, वेरी वेरी डिफरेंट बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसको आप लोग को करना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं कौन सा क्वेश्चन करना वो चीज़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ फट, बट उसको आप लोग अच्छी तरीके से कर लिए तो आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। अब इससे क्या किया जाए उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना, बुक अपना टेक्स्ट बुक निकाल के इसको टिक आउट कर लेना। अब इससे देखोगे आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स मैच द कॉलम ट्रू फॉल्स ऑड मैन आउट, इसको तो आप लोग को पूरा करना है, बट यहाँ से आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में से आप लोग को पहला कर लो, क्वेश्चन थर्ड में से पहला करना है ज्योग्राफिकल रीजन का। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर जो फोर है इससे कौन कौन सा किया जाए, देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब इससे पहला आप लोग को क्वेश्चन करना है, सेकंड क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर चौथा वाला क्वेश्चन करना है। इस तरीके से इतना क्वेश्चन हो जाने के बाद आप लोग को और इससे एक भी क्वेश्चन करना नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन इस लेसन में से है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ 8वां लेसन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स दिया गया, इससे कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो ध्यान से सुनना आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए क्या चीज़ इसके बारे में। देखो ये तीनों टाइप्स आप लोग इकोनॉमिक्स का अच्छी तरीके से पढ़ के रख लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है कौन कौन सा टाइप्स हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया गया फैक्टर, फैक्टर को भी एक बार एक्टिविटी के माध्यम से देख लेना क्या चीज़ इसके अंदर लिखा गया है, ऑक्यूपेशन लिखा गया, पॉपुलेशन लिखा गया, ज्योग्राफिकल एरिया अंदर नेचुरल लिखा गया है, रिसोर्सेस, ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना रहेगा। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए आप लोग को वो चीज़ बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर फंक्शन दिया गया, इसको एक बार देखना रहेगा आप लोग को, इसमें से ये चीज़ इकोनॉमिक्स का फंक्शन है, इसमें से देखो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट है, कोई भी 3 प� 3 पॉइंट याद कर लेना, कितना पॉइंट से 3 पॉइंट आप लोग को याद करना रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज से देखोगे आप लोग को, देखो यहाँ पर एक दिया गया है इकोनॉमिक्स फिलिंग द इन्फॉर्मेशन दिस पीपल, प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन दिया गया है सर्कल में, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है, IMP है। उसके बाद कौन सा किया जाए देखना ध्यान से, अब इसमें से देखो कौन सा किया जाए, देखो इसमें से बी और पहला और दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग को करके रखना चाहिए। उसके बाद अब यहाँ पर चौथा वाला जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में से आप लोग को कौन सा करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। चौथा क्वेश्चन अच्छी तरीके से करो और सेकेंड वाला करो, और इससे और एक करना है तो आप लोग सिंपल से कौन करो, ध्यान से सुनना आप लोग को, इससे करना रहेगा मैनेजमेंट का। इस तरीके से मैनेजमेंट देख लो यहाँ पर लिखा है, मीन्स प्रोडक्शन और द बिलोंग, इसको आप लोग को तीन करना रहेगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये दो हैं। उसके बाद आप लोग को आ जाते हैं हम लोग यहाँ 9वें लेसन पे, ट्रेड पे, व्यवसाय पे। अब व्यवसाय वाले में से क्या किया जाए उसको बताता हूँ, देखना ध्यान से आप लोग को इसमें से क्या करना चाहिए। आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे सर क्लास नाइन्थ, तो देखो ध्यान से यहाँ टाइस अदर ट्रेड दिया गया, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, इसके टाइल्स अच्छी तरीके से पढ़ के रख लेना, क्योंकि इसी में से आप लोग को जितना बता रहा हूँ अगर उतना करके रख लिए आप लोग का 110% बोलता हूँ आप लोग का बहुत अच्छा नंबर आएगा। यहाँ पे देखो एक दिया गया बैलेंस ट्रेड, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है, अनफॉरेबल दिया गया बैलेंस ट्रेड, और यहाँ पर एक दिया फॉरेबल, दोनों अच्छी तरीके से डायग्राम के थ्रू अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, यहाँ पर बैलेंस ट्रेड दिया गया, इसको भी आप लोग को करना रहेगा। जो जो बता रहा हूँ उतना तो आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन आप लोग को देखने वाले हो। अब यहाँ पर आता है फंक्शन, आप लोग को नेम दिया गया, नंबर्स दिया गया है, कंट्री दिया गया है, ये चीज़ आप लोग को इससे से नहीं करोगे तो भी चलेगा, एक भी नहीं आएगा आप लोग को पेपर में। अब उसके बाद क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसको सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर, इसको थोड़ा सा करके रख लेना, थोड़ा सा एक बार पढ़ के उसके बाद क्या करना चाहिए उसको मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पर डिफरेंट बिटवीन दिया गया है बिटवीन ट्रेड का, अब इससे कौन कौन सा किया जाए, देखो सबसे पहले आप लोग का यूरोपियन, देखो यहाँ पर ये वाला करो, ई वाला करके रखो, चाइना करो, महाराष्ट्र करो, इंडिया और जापान, इतना आप लोग को इससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, दो ऊपर का दे,
आया है, बहुत बार पेपर में आया है, उसके बाद ये भरने वाला आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को तीसरा वाला राइट और रॉन्ग है, उसके आइडेंटिफाइड टाइप्स ऑफ द ट्रेड, ये भी एक एक सिर्फ क्वेश्चन है, एक एक नंबर का, ये चीज़ बहुत इजी है। टाइस यहाँ राइट द टाइस ऑफ द ट्रेड, कौन से टाइस का ट्रेड है, बस उसको लिखना नाम, उसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे आंसर इन फॉलोइंग क्वेश्चन शॉर्ट में दिया गया, कौन सा किया जाए, देखो डिफरेंट करना है आप लोग को, टाइस वाला करना है, ये करना है। उसके बाद आप लोग को पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया मार्केटिंग फंक्शन, ये देखो यहाँ से ये चार अच्छी तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 करके रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है ये सब। अब इसमें से वेरी वेरी पूछोगे तो यहाँ पर सी वाला है और एक ए करना है, और एक ए तीन क्वेश्चन है, बी सी डी वेरी 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 इंपॉर्टेंस है, क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, बी सी डी वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, इतना इसको आप लोग को करके रखना। बट इसमें से मैं बोल रहा हूँ ए भी कर लो और ई भी कर लो अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरे जो था वो मैं बता दिया, तीन लेसन का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आने वाला है नेक्स्ट जो आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो हिस्ट्री का आएगा और पॉलिटिकल साइंस उसी में दोनों साथ में आ जाएगा। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना।